अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले 4 पार्ट्स देख लिए हैं, और अगर नहीं तो इसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें बैकग्राउंड जानकारी दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि प्राचीन इजिप्ट के राजा मेमटप ने अंडरवर्ल्ड के देवता अनुबस के साथ सौदा करके एक ऐसी तलवार बनाई जो किसी भी इंसान के पास रहे तो वो दुनिया पर राज कर सकता है, और जिसे भी उस तलवार से मारा जाएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए बुक ऑफ सोल्स नाम की किताब के अंदर कैद हो जाएगी। जिसके बाद हम नेबसरेक नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ उस तलवार को लेने मेमटप के टूम में आता है, जहाँ उसकी प्रीस्टेस मेनोफोर उसे सलाह देती है कि तुम्हें इस तलवार को नहीं लेना चाहिए, इसमें कोई खतरा भी हो सकता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और मेमटप के ताबूत को खोलकर तलवार निकाल देता है। पर तभी तलवार अग्नि की तरह चमकने लगती है और उसकी शक्तियाँ नेबसरेक के अंदर समाने लगती है, जिससे वो किसी शैतान की तरह दिखाई दे रहा था, मानो तलवार की शक्तियाँ ने नेबसरेक को पोजेस कर लिया हो। अब बैकग्राउंड जानकारी से फिर से बताया जाता है कि तलवार प्राप्त करने के बाद नेबसरेक ने कई राज्य पर अपना कब्जा कर लिया और खुद को भगवान मानने लगा, लेकिन हमेशा से उसका एक दुश्मन भी है जो कोई और नहीं बल्कि स्कॉर्पियन किंग मैथ्यूस है, क्योंकि उसने तलवार प्राप्त करने से पहले मैथ्यूस के कई सारे आदमियों को मार गिराया था। जिसके बाद हम मैथ्यूस को देखते हैं जो एक छोटे गांव में तलवार बनाने का काम करता है, जहां एबल नाम का एक छोटा बच्चा उसका दोस्त भी है जो हमेशा से मैथ्यू जैसा बनना चाहता है। अब मैथ्यू जंगल में शिकार करने चला जाता है, पर तभी गांव में नेबसरेक की सेनापति खेंसा अपने सिपाहियों के साथ आकर सारे गांव वालों से सवाल करती है कि मैथ्यूस कहाँ है, लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं बताता, जिस गुस्से में वो सारे गांव में आग लगा देती है। और तभी वहाँ मैथ्यूज आ जाता है और उसे देखते ही सारे सिपाही उसे मारने लगते हैं, लेकिन वो भी उनका बहादुरी से सामना करता है, और जब मैथ्यूज सभी पर भारी पड़ने लगता है तो सिपाही उस पर तीरों से हमला कर देते हैं, जिससे वो बेचारा घायल हो जाता है, और फिर उसे घायल देख एबल तुरंत उसकी तरफ भागता है, पर खेंसा उसे पकड़कर उसके गले पर चाकू रख देती है। मैथ्यूज अब उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर एबल को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं सुनती और निर्दय खेंसा बेचारे एबल का गला काटकर उसे मार देती है, जो देख मैथ्यूज एकदम दुखी हो जाता है और गुस्से में जैसे उस पर वार करने वाला होता है, खेंसा उसे ही मारकर बेहोश कर देती है और पिंजरे में डालकर नेबसरेक के पास ले जाने के लिए निकल जाती है। अब रात को जब सभी आराम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ ताला नाम की लड़की आती है जो सारे सिपाहियों को मारकर मैथ्यूज को अपने साथ ले जाती है और एक जगह लाकर कुछ रिचुअल करती है, जिससे वहाँ कई सारे बिच्छू आ जाते हैं जो मैथ्यूज को काट कर उसके घाव को ठीक करने लगते हैं। अब अगले दिन मैथ्यूज को होश आ जाता है और वो ताला से सवाल करता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों बचाया, जिस पर वो जवाब देती कि मैं बेलथाजर की बेटी हूँ, नेबसरेक हमारे ट्राइब के लोगों को मारना चाहता है, इसलिए मेरे पिता ने अपनी आखिरी समय में मुझे तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम नेबसरेक से लड़ने में हमारी मदद कर सको। दरअसल बेलथाजर वही है जिसने पहले पार्ट में मेमनॉन से लड़ने में मैथ्यूज की मदद की थी। अब ये जानकर मैथ्यूज उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और तभी ताला उसे बताती है कि नेबसरेक की सबसे बड़ी ताकत वो तलवार है और उस तलवार को बस एक ही चीज रोक सकती है, जिसका नाम बुक ऑफ सोल है। हमें उसे जल्दी प्राप्त करना होगा जो हमें सॉरेल किले में मिलेगी। अब दूसरी तरफ मेनोफोर का बाज उसे आकर मैथ्यूज के बारे में सूचना देता है, जिस पर वो नेबसरेक से कहती है कि मैथ्यूज बुक ऑफ सोल्स लेने जा रहा है जो तुम्हारी तलवार को रोक सकती है, जो सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए तुरंत अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। इधर मैथ्यूस और ताला आगे बढ़ते हुए एक वीरान जगह आ जाते हैं, जहाँ अचानक उन पर तीरों की बरसात होने लगती है, लेकिन भाग्य से वो दोनों तीर का शिकार होने से बच जाते हैं। पर तभी वहाँ कुछ आदिवासी आकर उन्हें बंदी बना लेते हैं, पर तभी उनके लीडर उरू को उसका सलाहकार आकर कहता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्कॉर्पियन किंग है, हम इसे ज्यादा समय तक बंदी बनाकर नहीं रख सकते। जिस पर फिर उरुक मैथ्यूज से कहता है कि अगर तुम यहाँ से आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें खेल खेलना होगा।
बीस में मेरे तीन साथी तुम्हारे पीछे तीर कमान लेकर हमला करेंगे और तुम्हें उनसे बचते हुए उन्हें मार गिराना है। जिस पर मैथ्यूज कहता है कि तीन के बजाय पांच कर दो, लेकिन मेरे साथ ताला भी आजाद होगी। जिस पर उरुक मान जाता है और वो खेल को शुरू करते हुए दूर एक तीर मारता है, जिसे जैसे ही मैथ्यूज उठाता है उसके पीछे उरुक के साथ चार और लोग तीर कमान के लिए पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मैथ्यूज अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए सभी को धाराशाही करके उरुक के गले पर चाकू रख के खेल जीत जाता है। अब ये देख उरुक हैरान हो जाता है, पर साथ ही वो उसका धन्यवाद भी करता है कि उसने उसके एक भी साथी को जान से नहीं मारा, इसलिए वो उन दोनों को आजाद कर देता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए उन दोनों को रास्ते में एक गेटवे दिखाई देता है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ कुछ नहीं होता, बस चारों तरफ खाली वीरान रेगिस्तान होता है, पर उस गेटवे के ऊपर एक पहेली लिखी होती है। अब ताला अपने पास रखा एक पन्ना पढ़ती है जिसमें वहां से 200 कदम दूर जाने के बारे में लिखा होता है, और जैसे ही वो वहां से जाते हैं उन्हें मैन होल के जैसा एक ढक्कन दिखाई देता है जिसके अंदर ताला भाले जैसा एक डिवाइस डालती है, लेकिन वो डिवाइस चालू नहीं होता। तब मैथ्यूज गेटवे पर लिखी पहेली को सुलझाकर डिवाइस के ऊपर लगे लेंस को घुमाता है, जिससे चांद की रोशनी लेंस से टकराकर गेटवे पर पड़ती है, जिससे गेटवे एक पोर्टल बन जाता है, जो देख वो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर उस पोर्टल के जरिए वो सॉरेल के किले में प्रवेश कर जाते हैं। वो दोनों अब उस किले में किताब ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी क्ले का बना क्रीचर एंडी को उन पर हमला कर देता है, जो उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। तब वहाँ अमीना नाम की फीमेल पानी से निकल कर एंडी को रुक जाने को कहती है, जिस पर वो तुरंत ही रुक जाता है। एमिनो अब उन दोनों को पहचान लेती है कि वो कौन है और किस कारण से यहाँ आए, इसलिए वो उन्हें बताती है कि एंडिकू मेरा गार्डियन है जो मेरी रक्षा करता है और मुझे कभी यहाँ से बाहर जाने नहीं देता, जिसे क्ले और जादू से बनाया गया है, लेकिन उसे अग्नि से बहुत डर लगता है और अगर अग्नि उसे छू जाए तो वो पिघल जाएगा। तालाब उससे कहती कि हम यहाँ बुक ऑफ सोल्स लेने आए ताकि हम अनुबिस की तलवार को रोक सके, जिस पर फिर अमीना ऊपर से आ रही चांद की रोशनी के नीचे खड़ी हो जाती है, और अब चांद की रोशनी उसके शरीर पर पड़ते ही उस पर उन सारे लोगों के नाम दिखाई देने लगते हैं जिन्हें उस तलवार से मारा गया है, जो देख मैथ्यूज और ताला समझ जाते हैं कि बुक ऑफ सोल्स कोई किताब नहीं बल्कि अमीना ही है। दूसरी तरफ खेंसा अपने सिपाहियों के साथ उरुक के इलाके में पहुंच जाता है, पर उरुक के साथ ही उन्हें आगे जाने से रोक देते हैं, जिस पर फिर खेंसा धमकी देती है कि हमें यहाँ से आगे जाने दो, लेकिन वो कहता है कि आगे जाने के लिए तुम्हें हमसे लड़ना होगा, पर उनकी तादाद ज्यादा होने पर खेंसा वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझती है। इधर मैथ्यूज अमीना से सवाल करता है कि हम उस तलवार को कैसे रोक सकते हैं, जिस पर वो कहती है कि इसके लिए तुम्हें मेमटेप के टूम में जाना होगा, जिस पर मैथ्यूज कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन वो याद दिलाती कि एंडी को मुझे जाने नहीं देगा, इसलिए वो सभी एक योजना बनाते हैं और उसी के अनुसार वो सभी पोर्टल के पास आते हैं, और जैसे ही एंडुकू वहाँ आने वाला होता है कि तभी ताला रास्ते में आग लगा देती है, जिससे डर कर एंडू वहीं रुक जाता है, और फिर तीनों पोर्टल के बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद सभी मेमटप के टूम के लिए निकल जाते हैं। अब उनके जाने के बाद खेंसा दूसरे रास्ते से होकर गेटवे के पास आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, साथ ही पोर्टल भी बंद होता है, जिसे देख वो गुस्सा हो जाती है। इधर सभी आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन पर नेफसरिक के सिपाही हमला कर देते हैं, पर मैथ्यूज और ताला भी उनका डटकर सामना करते हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी जो उन पर भारी पड़ने लगते हैं, पर तभी वहाँ भागते हुए एंडुकू आ जाता है, जो मैथ्यूज का साथ देते हुए सभी को मारकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो सभी बंदरगाह के लिए निकल जाते हैं क्योंकि मेमटेक का टूम समुन्द्र की दूसरी तरफ है। अब जैसे ही वो बंदरगाह के पास आते हैं मैथ्यूज को वहाँ खेंसा अपने सिपाहियों के साथ दिखाई देती है, इसलिए वो बाकियों को नाव में जाने को कहकर खुद सिपाहियों से लड़ने चला जाता है, जहाँ वो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए कई सारे सिपाहियों को मार गिराता है। लेकिन अब वहाँ और भी सिपाही आने लगते हैं, इसलिए ताला वहाँ एक घोड़ा गाड़ी लेकर आ जाती है और मैथ्यूज एक लंबी छलांग के साथ उस घोड़ा गाड़ी में कूद कर वहाँ से भाग जाता है।
जिसके बाद सभी नाव में सवार होकर समुन्द्र में उतर जाते हैं। अब इसी दौरान अमीना को एक विजन आता है जिसमें नेफसर एक ताला के भाई तुरका को उसी तलवार से मार देता है और विजन देखते ही वो ताला को तुरंत खबर करती है कि नेफसर एक ने अभी तुम्हारे भाई को उसी तलवार से मार दिया और अब से तुम उस कबीले की रानी बन गई हो। और अपने भाई की मृत्यु का सुन वो काफी दुखी हो जाती है। फिर कुछ देर के सफर के बाद सभी समुन्द्र के किनारे उतर जाते हैं और आगे बढ़ते हुए वे मेमटप के टूम के पास पहुंच जाते हैं जहां अंदर उन्हें ज्ञान की देवता की मूर्ति दिखाई देती है। एमिना मैथ्यूज को उसे तोड़ देने को कहती है इसलिए वो उसे तोड़ देता है जिसके अंदर से उन्हें एक स्क्रोल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेमटप ने तलवार प्राप्त करके हजारों लोगों की हत्या कर दी पर उसे उन सारे निर्दोष लोगों की चीखे सुनाई देने लगी जिससे वो काफी परेशान रहता था। पर भगवान ने उसके लिए गनों की सजा सोच रखी थी इसलिए उन्होंने उसे एक ऐसी बेटी दी जिसके शरीर पर उन सारे लोगों के नाम लिख जाते हैं जिसकी भी हत्या उस तलवार से की जाती है। यहाँ कि अमीना मेमटप की ही बेटी है जो जानकर वो हैरान हो जाती है। वही स्क्रोल में ये भी लिखा होता है कि उस तलवार को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस तलवार से मेमटप की बेटी को मार दिया जाए पर मेमटप अपनी बेटी को नहीं मार सकता इसलिए उसने काम करने वाले को उसे सौंप दिया और खुद ही उस तलवार से अपनी हत्या कर ली। अब ये सब जानकर सभी हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ खेंसा आ जाती है जिसने सारे बातें सुन ली थी इसलिए वो मैथ्यूज के ऊपर बेहोशी वाला तीर मारकर उसे बेहोश कर देती है और फिर वो सभी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगती है पर उन्हें ले जाते हुए उरुक देख लेता है। अब रात के समय नेफसर एक मैथ्यूज के पास आता है जहां उसकी दोनों हाथ चैन से बंधे होते हैं और वो अब तक बेहोश भी था। नेफसर एक मैनफोर से कहता है कि मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा पहले मैं इससे लड़ूंगा और तब जाकर इसे मारूंगा पर इस पर मैनफोर कहती है कि आपको इसे अभी मार देना चाहिए वरना ये खतरनाक हो सकता है लेकिन वो एक नहीं सुनता और मैथ्यूज को तलवार से एक घाव देकर वहाँ से चला जाता है। अब वो अमीना के पास आता है जहाँ मैनफोर उसे रिवील करती है कि बुक ऑफ सोल्स यही है जिससे आपकी शक्तियाँ को खतरा हो सकता है जिस पर वो अमीना को जला देने का आदेश दे देता है इसलिए मैनफोर रिचुअल करके उसे जलाने की तैयारी करने लगती है। वहीं मैथ्यूज के घाव से जैसे ही जमीन पर खून टपकता है वहां कई सारे बिच्छू आने लगते हैं जो मैथ्यूज के पूरे शरीर में फैलकर उसे काटने लगते हैं जिससे वो होश में आ जाता है और साथ ही उसका घाव भी ठीक हो जाता है जिसके बाद वो दोनों हाथों में बंधी चैन को उखाड़ कर सभी से कहता है कि अमीना को कोई कुछ नहीं करेगा पर उसकी होश में आने पर नेफसरग उससे लड़ने आ जाता है। वहीं उरुक भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचकर सभी पर आग लगी हुई तीर बरसाने लगता है जिसमें मैनोफर मारी जाती है और अब मैथ्यूज और नेफसरग लड़ने लगते हैं पर इंडुकु अपने डर पर काबू पाकर नेफसरग से लड़ने लगता है लेकिन वो उसके अंदर तलवार घुसा देता है जिससे वो बेचारा तलवार के साथ ही आग में गिरकर मारा जाता है और तलवार नेफसरग के हाथ से चली जाने के कारण उसकी शक्तियां खत्म हो जाती है। वहीं मैथ्यूज खेंसा को वही चाकू जिससे उसने एबेल को मारा था उसकी तरफ फेंककर उसे ही मार देता है जिसके बाद वो अपने हाथ में लगे चेन को नेफसरग के गले में फंसाकर उसे आग में फेंक देता है जिससे वो वहीं पर जलकर मारा जाता है और मैथ्यूज आग के बीच में जाकर उस तलवार को पकड़ लेता है लेकिन इससे वो शैतान नहीं बनता और तलवार भी नीले रंग में चमकने लगती है जो कि मैथ्यूज के साफ दिल के कारण हुआ। अब अमीना मैथ्यूज को याद दिलाती है कि इस तलवार को खत्म करने का समय आ गया है मार दो मुझे ताकि ये तलवार खत्म हो जाए पर वो पूछता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है जिस पर अमीना कहती है कि जब तक ये तलवार रहेगी हजारों लोग नेफसरग बनने की कोशिश करेंगे इससे अच्छा यही है कि तलवार को खत्म कर दिया जाए इसलिए अब वो तलवार को अमीना के तरफ करता है और वो तलवार से होकर गुजर जाती है जिससे तलवार और वो दोनों राख में बदल कर गायब हो जाते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में मैथ्यूज फिर से अकेले अपने आगे के सफर के लिए चल देता है और इसी के साथ ये मूवी सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।